संकल्प पत्र देश की जनता को समर्पित किया जाएगा। ये संकल्प पत्र 6 करोड़ से ज्यादा लोगों के साथ सीधा उनकी भावनाओं को, विषयों को, उनके उद्गारों को, उनकी अपेक्षाओं को, उनकी आकांक्षाओं को, सबको इसमें समाहित करते हुए और जो 5 वर्ष की एक सफल सरकार ने जो गरीब कल्याणकारी कार्य किए हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए हम सभी ये संकल्प पत्र अब जनता को समर्पित किया जाए। संकल्प पत्र के माध्यम से हम नए भारत के निर्माण में 130 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को विजन डॉक्यूमेंट के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। यह संकल्प पत्र आपके बीच रखते हुए मुझे संतोष की ही अनुभूति नहीं हो रही है बल्कि गौरव की भी अनुभूति हो रही है कि हमारे संकल्पों में करोड़ों देशवासियों की सहभागिता का भी पूरी तरह से समावेश है। भारत के मन की बात, जिसकी चर्चा भी भूपेंद्र जी यादव ने की है, के माध्यम से देश के सभी क्षेत्रों, सभी वर्गों और सभी समुदायों के साथ विस्तृत एवं व्यापक संवाद के बाद अपने दृष्टिकोण का यह दस्तावेज आज हम लोगों ने देश के सामने रखा है। आतंकवाद का जहां तक प्रश्न है, उसके प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी, है और जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक हमारी यह जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी आतंकवाद के प्रति रहेगी। राम मंदिर का जहां तक प्रश्न है, पिछले चुनावी घोषणा पत्र में भी हम लोगों ने जो संकल्प किया था उसी संकल्प को हम दोहराते हैं। सभी संभावनाओं को तलाश करेंगे और हमारा यह प्रयत्न होगा कि जल्दी से जल्दी सौहार्दपूर्ण वातावरण में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाए। 25 लाख करोड़ तक का ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर 5 वर्षों में खर्च करेंगे। 25 लाख करोड़। अभी हाल में ही एक किसान सम्मान निधि योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च की गई थी, यानी एक इनकम सपोर्ट था इस देश के किसानों के लिए, 6,000 रुपया प्रतिवर्ष, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है उनको दिया जाएगा। पहली किस्त जा चुकी है, दूसरी किस्त जाने वाली है, लेकिन मैं यहां प्रशंसा करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता को। जब इनके साथ इस संकल्प पत्र को तैयार करने के लिए बैठे थे तो उन्होंने यह कहा प्रधानमंत्री जी ने कि मुझे कुछ अजीबोगरीब लगता है कि हम कोई भी लाभ यदि देना है तो केवल कुछ ही लोगों तक हम क्यों सीमित रखना चाहते हैं। 2 हेक्टेयर तक का ही किसान नहीं बल्कि जो भी किसान होगा उस सभी किसानों को हम यह इनकम सपोर्ट 6,000 रुपये का देंगे, यह जो है उन्होंने कहा और उसको हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में शामिल किया है। सभी किसानों को यह किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन की सुविधा भी देंगे 60 वर्ष के बाद, पेंशन की सुविधा भी देंगे।